Hello, my dear students. This is chapter 20, revision, class 4, EVS, eating together. तो इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है कि हम कौन कौन से मौके पर एक साथ खाते हैं, वो मौके कौन से हैं. तो आप बता सकते हैं मैरिज है, पार्टी है, एनी अदर सेरेमनी इन द हाउस, या फिर कोई और बाहर पार्टीज होती हैं, किसी भी पर्पज़ से होती हैं. और हमारे स्कूल में भी कम्युनिटी लंच होता है, फेस्टिवल्स होते हैं, तो उस समय हम लोग एक साथ बैठकर खाते हैं. तो ये सब आप इसमें बता सकते हैं. ये लोग हॉस्टल में रहते हैं, दो बच्चे जो हैं, और जब ये वापस आए हैं तो इन्होंने देखा कि अपने घर को काफ़ी मिस किया. घर की चीज़ें उनको हॉस्टल में रह के बहुत याद आती हैं. फिर यहाँ बिहू के बारे में है. बिहू आपको पता होना चाहिए कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, और आपको मैप में भी लोकेट करने के लिए आएगा कि आसाम को लोकेट कीजिए. ये जो भेला घर है, ये आप ध्यान रखेंगे क्या है. ये फ़ोटो आपसे एग्ज़ाम में दिखाकर पूछी जा सकती है. ये भेला घर है, और जो फर्स्ट डे होता है उसे हम क्या कहते हैं, उरुका कहते हैं. तो ये आप याद रखेंगे कि फर्स्ट डे को उरुका कहते हैं. सारा विलेज एक साथ खाता है इस दिन. सब लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत खुशी से इसको सेलिब्रेट किया जाता है. इसमें यहाँ पर दे रखा है, देखिए, माघ बिहू इज सेलिब्रेटेड ऑन 14-15, पेज के बिल्कुल नीचे की तरफ. तो आपसे डेज भी पूछ सकते हैं कि 14-15 जनवरी कब इसको सेलिब्रेट करते हैं, भेला घर बनाते हैं, उरुका फर्स्ट डे को कहते हैं. बोरा राइस कॉमन राइस होती है जो उस दिन, और आसाम स्टिकी राइस होती है, और ये आसाम को लोकेट करने के लिए भी आपसे पूछेंगे. जो बड़ी सी वेसल होती है जिसमें ये बनता है उसे टाओ कहते हैं, TAO, टाओ, या कढ़ाई, जैसे हम इसे लोकल भाषा में आज कढ़ाई कहते हैं, इसे जो घरों में यूज़ होती है, लेकिन आसाम में इसे टाओ कहा जाता है. उसके बाद ये बिहू फेस्टिवल में ये जो ड्रेसेस हैं इनकी, ये फ़ोटो आपको दी जा सकती है कि ये डांस कर रहे हैं. इसके अलावा कुछ और हार्वेस्ट फेस्टिवल आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको बताना है. बैसाखी है, मकर संक्रांति है, पोंगल है. ये भेला घर की फ़ोटो आपको एग्ज़ाम में दे सकती है. भेला घर को तो मैंने बता दिया था, सॉरी, दिस इज़ मेज़ी. तो ये जो आग जलती है इस तरीके से, लकड़ी के ऊपर लकड़ी रखी हुई है, इसी को मेज़ी कहा जाता है. क्योंकि सर्दी का मौसम है तो सब लोग एंजॉय करते हैं वहीं पर बैठकर. इसके बाद ये जो बच्चे डांस कर रहे हैं, ये वाली फ़ोटो देखे भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सा डांस कर रहे हैं. तो फिर से ये आसाम का ही है बिहू डांस, उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं. एक मिड डे मील का क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में कि मिड डे मील क्या होती है, कब शुरू की गई. तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि बच्चे काफ़ी गरीब हैं, तो बच्चे खाना खाने के बहाने स्कूल आए और उनकी सेहत के ऊपर पूरा ध्यान रखा जाए, इसलिए मिड डे मील शुरू किया गया. मिड डे मील में हर डे का अलग अलग जो टाइम टेबल होता है उसी के हिसाब से खाना बनता है. बच्चे खेलते हैं, ये गाना वो गाते हैं, वी प्ले टुगेदर, वी ईट टुगेदर फॉर द गुड एवरी वन, वी विल ऑलवेज बी टुगेदर. उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि स्कूल टाइम में जब ये खाना बनता है तो कभी कभी इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, उसके रिगार्डिंग एक स्टोरी है छोटी सी. लेकिन मिड डे मील में पूरा ध्यान रखा जाता है कि बच्चों को फ्रेश और सेहतमंद खाना मिले, ये उनका स्केड्यूल है. मिड डे मील इज़ एवरी चाइल्ड्स राइट. तो ये भी आपसे पूछा सकता है कि व्हाट इज़ मिड डे मील, और मिड डे मील क्यों शुरू किया गया. तो टू कीप द चिल्ड्रन हेल्दी एंड गिव सो दैट दे कैन गेट अ न्यूट्रिशियस फूड फॉर देयर ग्रोथ, मिड डे मील हैज़ स्टार्टेड. थैंक यू.